गैस आज का ये वीडियो में डेडिकेट करना चाहूंगा फेच एपीआई को। हम लोग फेच एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी नेटवर्क से हमें डेटा मंगाना होता है या फिर नेटवर्क पर यानी कि सर्वर पर अपलोड करना होता है डेटा, तब हम फेच एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। क्या स्पेसिफिक्स हैं इसके, कितना कन्वीनियंट है ये, प्रोमिसेस के साथ किस तरह से काम करता है फेच, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं इन सब चीज़ों को। आज फेच एपीआई की आप लोगों से बात करना चाहूँगा और आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए रैपर बना रखी है जिसमें मैं काम करूँगा। इसको एक नई टैब में खोलूँगा और इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगा, तो जो भी कोडिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो मुझे इस रैपर में मिलेगी। जैसे कि मैं अगर इस पेज का टाइटल फेच एपीआई करके सेव करूँगा और रीलोड करूँगा इस पेज को, तो देखो यहाँ पर भी टाइटल फेच एपीआई हो गया। तो ये कोडिंग वाला पेज और ये सिंक में है, मैं रैपलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि फेच एपीआई के बारे में आप लोग को बताऊँगा। उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, फ्री एपीआई सर्च करूँगा। मे बी मुझे कोई अच्छी फ्री एपीआई मिल जाए। और यहाँ पर देखो गिटहब पर एक रेपो मुझे मिली है और मैं इस रेपो को बहुत अच्छी तरह से जानता भी हूँ, मैंने यूज़ भी किया हुआ है पब्लिक एपीआईज नाम से। यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक एपीआईज मिलती हैं, तो यहाँ पर अलग अलग थीम पे आप लोगों को पब्लिक एपीआईज मिलती हैं और ऑथेंटिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखो आप कि ये काम नहीं कर रहा है, बट मैं एक काम करता हूँ कि कोई ऐसी एपीआई ढूंढता हूँ जिसमें कि हम लोग जिसको यूज़ कर सकें ये देखने के लिए कि हमारी जावास्क्रिप्ट एपीआई फेच कर पा रही है कि नहीं। अब यहाँ पर मुझे एक एपीआई मिल गई है जिसे कि आप देख सकते हैं सेवन टाइमर नाम से। मैं एक्चुअली वेदर पे गया था और वहाँ पर मुझे ये वाली पहली एपीआई मिल गई जिसमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, तो एक काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल है ये। अगर आप लोग कुछ और यूज़ करना चाहते हो जैसे कि ये वेदर एपीआई मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो मैं इसको करूँगा। अब यहाँ पर देखो कि किसी भी सिटी की वेदर आप लोग जो है इस एप्लीकेशन की सहायता से ढूंढ सकते हो। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर दिल्ली डालूँ तो शायद मुझे दिल्ली की वेदर मिले, नॉट फाउंड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर मान लो एन वाई करूँ न्यूयॉर्क, तो शायद ये मुझे कुछ दिखाया और इसने मुझे दिखा दिया देखो यहाँ पर। तो चलो यार इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो मैंने ये एपीआई ले ली है और आप लोग को फेच पढ़ाने के लिए मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फेच का सिंटेक्स बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। आप लिखेंगे लेट ए इज़ इक्वल टू फेच। अब ए क्या है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। ए एक प्रॉमिस है, ठीक है, रादर मैं इसको पी के नाम से पुकारूँगा क्योंकि एक प्रॉमिस है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा पी डॉट देन और इसके बाद मैं मान लो यहाँ पर ए लिखता हूँ या फिर वैल्यू लिखता हूँ जिस भी वैल्यू में ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है। और मैं फिर इसके बाद लिखूँगा रिटर्न वैल्यू और इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट देन, एक और देन चेंज करूँगा और ये काम मैं दोबारा से करूँगा। अब ये सुपर कन्फ्यूजिंग लगता है उन लोगों को और मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू डॉट जेसन या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको वैल्यू वन कर देता हूँ, इसको वैल्यू टू कर देता हूँ, फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये एक फंक्शन अपने आप में है और ये वाला एक फंक्शन अपने आप में है, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पहले कि हम सिंटेक्स को देखें और यहाँ पर कन्फ्यूज़ हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से लाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को फेच के बारे में बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन यूजिंग द नेटवर्क व्हेन नीडेड, ठीक है, जब भी आपको चाहिए। कभी भी आप लोग को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि नेटवर्क में है जैसे कि वेदर, जैसे कि आप लोग को कोई एपीआई यूज़ करनी है जो कि किसी ने बना रखी है आप लोगों के लिए, वो करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। एक अम्ब्रेला टर्म होता है एजैक्स जिसकी फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये जो अम्ब्रेला टर्म होता है ये पहले यूज़ किया जाता था जब हम एक्सएमएल की सहायता से नेटवर्क रिक्वेस्ट को लिया करते थे। आज की तारीख में जेसन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और फेच एपीआई आ गई है लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, लेकिन पहले एक्सएमएल एचटीटीपी का जो सिंटेक्स होता था उसमें XML क्योंकि यूज़ होती थी इसलिए इसका नाम पड़ गया एजेक्स। सबसे लोग एजेक्स कहने लग गए और आज की तारीख में भी अगर आप लोग किसी को बोलोगे कि मेरा पेज बिना लोडिंग के डेटा को फेच कर लेता है तो वो आपको यही बोलेंगे क्या तुम एजेक्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको हाँ बोलना है। क्यों बोलना है हाँ, क्योंकि एक अम्ब्रेला टर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि यार अब तो XML मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ तो एजेक्स नहीं यूज़ हो रही है, हो रही है यूज़। एजेक्स टर्म आज भी यूज़ होता है, आपको इंटरव्यूअर भी आपका पूछ सकता है। फेच एपीआई की बात करते हैं। फेच एपीआई जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, आप सिंपली URL दे दो। ऑप्शंस अभी हम देखेंगे, अभी के लिए ऑप्शंस को आप ब्लैंक छोड़ो। बिना ऑप्शंस के जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो वो एक गेट रिक्वेस्ट होती है। अब हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है, डिलीट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। हम अभी एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट की बात करेंगे। गेट रिक्वेस्ट का मतलब कि आप URL में से डेटा को ला रहे हो, ठीक है, सिंपल, और उसको आप डिस्प्ले कर रहे हो, उसके साथ कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने आपको जो सिंटेक्स बताया था डॉट देन वाला, वो आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा
कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्यों लगेगा, आप यहाँ पर देखो, एक्चुअली मैंने सिंटेक्स को थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिखूंगा p डॉट देन वैल्यू 1, इसके बाद वैल्यू 1 डॉट json, और इसके बाद मैं रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 2, और मैं वैल्यू भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये अपने आप में अलग अलग फंक्शंस हैं। अब ये सिंटेक्स इतना कंफ्यूजिंग क्यों है और आप लोगों को कैसे ये इजी आप लोग बनाओगे अपने लिए सिंटेक्स को, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखो मेरे पास ये डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे विंड स्पीड मिल गई है, मुझे यहाँ पर टेम्परेचर मिल गया है, मुझे डिस्क्रिप्शन मिल गया है, सब कुछ मुझे मिल गया। फोरकास्ट का एक एरे मिल गया है जिसमें कि शायद फोरकास्ट के बारे में बताया जाएगा कि भाई पहले दिन में ये होगा, दूसरे दिन में ये होगा, तीसरे दिन में ये होगा, विच इज़ ग्रेट यार, विच इज़ ऑसम, ठीक है। एक वेदर ऐप बनाई जा सकती है इस API की सहायता से। बट मैं ये सिंटेक्स आप लोग को सबसे पहले समझाता हूँ। जब भी आप किसी चीज़ को फेच करते हो तो होता यह है कि आप लोग एक प्रॉमिस जो है वो आपको मिल जाती है, और वो प्रॉमिस रिजॉल्व होती है एक और प्रॉमिस में, जिसकी वैल्यू जो होती है वो फाइनल रिजल्ट होता है। तो दो बार आपको डॉट देन लगाना पड़ता है। अब आप लोग कहोगे यार ये ऐसा क्यों बनाया फेच API बनाने वाले ने, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम आते हैं नोट्स में इस चीज़ को समझने के लिए, बट अगर आपको बहुत ही क्विकली, देखो क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को ये बताया जाता है कि आप लोग इस सिंटेक्स को रट लो, ये बताया जाता है, सीरियसली बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए सबसे आसान होता है। उनको बोला जाता है कि भाई फेच API में दो डॉट देन लगते हैं, दो डॉट देन लगा के यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाती है, इसके साथ कुछ भी कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डॉट जेसन करना होता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये दो स्टेज प्रोसेस क्यों है, ठीक है। तो फेच इज़ यूज टू गेट डेटा ओवर द नेटवर्क, ये हमने देख लिया। गेटिंग अ रिस्पॉन्स इज अ टू स्टेज प्रोसेस, ठीक है, इसीलिए दो डॉट देन लगते हैं। टू स्टेज प्रोसेस क्यों है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स क्लास कंटेनिंग स्टेटस एंड ओके प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप लोगों को मिलता है एक रिस्पॉन्स क्लास का स्टेटस, ठीक है, एक रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट सॉरी, जिसमें स्टेटस और ओके होता है। HTTP स्टेटस कोड होगा इसमें, यानी कि अगर मैं इस वाली प्रॉमिस में कंसोल डॉट लॉग करूं वैल्यू 1 डॉट स्टेटस, और सॉरी मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, जब मेरी पहली प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है, जो पहली प्रॉमिस मुझे मिलती है वो रिजॉल्व हो रही है, तब मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू 1 डॉट स्टेटस और वैल्यू 1 डॉट ओके। अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो आप लोग देखो, मैं जैसे ही रिलोड करूँगा तो देखो 200 और ट्रू मेरे पास यहाँ पर पहले आया, फिर इसके बाद डेटा रिटर्न हुआ, यानी कि मुझे ये पता चल जाएगा कि स्टेटस कोड क्या है, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, यानी कि 200 से 299 का स्टेटस कोड मुझे मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि इसके अलावा कुछ भी मुझे स्टेटस कोड मिला है तो 404 मिले या फिर 500 मिले इंटरनल सर्वर का, वो मुझे यहीं पर पता चल जाएगा कि यार मेरा रिस्पॉन्स जो है सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ट्रू होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो, जो स्टेटस है वो HTTP स्टेटस कोड है, जैसे कि 200 हो सकता है वो, ठीक है, और कुछ और भी हो सकता है, बट ये स्टेटस कोड है। अब एक बार आपको यहाँ पर स्टेटस कोड मिल गया, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ और करना है तो आप कर लो, क्योंकि रिस्पॉन्स बड़ा हो सकता है और उसको निकालने में टाइम लग सकता है। तो इसको दो स्टेज प्रोसेस बनाया गया है कि यार अगर आपको यहीं पर पता चल जाएगी आपका रिस्पॉन्स नहीं आया है ठीक से, तो आप कोई एक्शन ले पाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, डॉट देन, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यानी कि एक प्रॉमिस आपकी रिजॉल्व होगी, वो आपको स्टेटस और ओके दे देगी, इसके बाद आप एक प्रॉमिस रिटर्न कर दोगे, वैल्यू 1 डॉट जेसन एक प्रॉमिस है जो कि क्या करेगा, जो कि रिजॉल्व होगी जेसन वैल्यू में, जेसन रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो इसीलिए दो डॉट देन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आफ्टर दैट वी नीड टू कॉल अनदर मेथड टू एक्सेस द बॉडी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब आप रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर सकते हो, और भी हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि आप लोग यूज़ करोगे अगर आप लोग एक एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज़र, इसे ब्लॉब, अगर आप लोग ब्लॉब में लेना चाहते हो डेटा को, एरे बफर यूज़ कर सकते हो, अगर आप फॉर्म डेटा में लेना चाहते हो अपने डेटा को तो फॉर्म डेटा फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डॉट टेक्स्ट क्या करेगा, आपको टेक्स्ट रिटर्न करेगा, डॉट जेसन आपको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि आपकी जेसन को पार्स करने के बाद आएगा, ठीक है। अगर आप श्योर हो कि आपका डेटा जेसन में आने वाला है तब आप लोग इसको यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं, वी कैन ओनली यूज़ वन बॉडी रीडिंग मेथड। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट भी यूज़ कर दिया फिर आप कह रहे हो मुझे जेसन में चाहिए, नहीं, एक बार आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूज़ कर दिया, मैं इसको ज़रा रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट ओके, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया, तो मैंने कर दिया, यहाँ मुझे जेसन मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने एक बार यूज़ कर लिया, जैसे कि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार कंसोल डॉट लॉग कर लिया अपने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे जेसन में दे दो, तो एक बार आपने रन कर दिया ना इस मेथड को, किसी को भी जेसन को टेक्स्ट को,
उसके बाद आप इसको रन नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं रिलोड करूँगा यहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, और वो दिक्कतें क्यों आएंगी ये भी आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई कि फेल टू एग्जीक्यूट जेसन रिस्पॉन्ड, बॉडी स्ट्रीम ऑलरेडी रेड। कह रहा है भाई आपने रीड कर लिया, डॉट टेक्स्ट आपने रन कर लिया, अब आप क्या चाहते हो, दोबारा क्यों रन कर रहे हो उसको? तो ये आप नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार कर सकते हो, या तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लो या रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कर लो। फिर इसके बाद ये वाली प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगी तब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने जेसन रन किया तो आपको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर आपने टेक्स्ट रन किया तो आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। बढ़िया, अब रिस्पॉन्स हेडर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स हेडर्स के बारे में बात करते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स आर अवेलेबल इन रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स, ठीक है। अगर आपको हेडर्स चाहिए, रिस्पॉन्स हेडर्स चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, आप रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स कर सकते हो, और आप इसको जैसे रिलोड करोगे अभी तो आपको यहाँ पर हेडर्स मिल गए, देखो जो कि अभी खाली है, रिस्पॉन्स हेडर्स कुछ नहीं मिले मुझे, ठीक है। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स हेडर्स जो है प्रिंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। रिक्वेस्ट हेडर्स कैसे प्रिंट करोगे? आप लोग रिक्वेस्ट हेडर्स को प्रिंट नहीं करना चाहोगे, रादर आप लोग रिक्वेस्ट हेडर्स को पास करना चाहोगे अपने रिक्वेस्ट के साथ। अब देखो रिक्वेस्ट हेडर्स और रिस्पॉन्स हेडर्स में क्या डिफरेंस है। रिक्वेस्ट हेडर्स वो हेडर्स हैं जो कि हम देते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, हम कहते हैं भाई ये हेडर ले लो, ऑथेंटिकेशन हमारा टोकन ले लो, हमसे ये ले लो कि हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो एडिशनल इस रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है, वो हमारे हेडर्स हैं। और आप लोग को जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कुछ हेडर्स आपको मिलते हैं वो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। टू सेट अ रिक्वेस्ट हेडर इन फेच, आप लोग रिक्वेस्ट हेडर्स को सेट करते हो और रिस्पॉन्स हेडर्स को आप प्रिंट करोगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हेडर्स आप लोग सेट करने के लिए फेच में ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर यू आर एल डाल सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट की दो हेडर, और एक ऑब्जेक्ट बनाओ ऑथेंटिकेशन सीक्रेट, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट और पास कर दो, ठीक है। हेडर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट दे दो ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑप्शंस अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी की हेडर्स है, और वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप हेडर्स पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम किए जा सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया ये, और आप लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, और यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को ज़रूर बुकमार्क करना, यहाँ क्लिक करके ज़रूर सेव करना। ऑलमोस्ट 15 लाख लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। जो फीडबैक आ रहा है इस कोर्स का, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।